चलिए आगे, एक और खास सेगमेंट का वक्त हो चला और ये सेगमेंट है वीआईपी, यानी कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक। और इस खास सेगमेंट में अपनी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक और स्ट्रैटेजी लेकर अरिहंत कैपिटल के अभिषेक जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक का गुड आफ्टरनून। लंबी अवधि में निवेश के लिए भरोसेमंद शेयर आपकी तरफ से बताइए। गुड आफ्टरनून मैम, जस्ट डिस्क्लेमर, अरिहंत कैपिटल और अरिहंत जो स्टॉक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ उसका नाम है अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर, उसका कोई रिलेशन नहीं है। एंड तो एक डिस्क्लेमर के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कंपनी जो मैं बात कर रहा हूँ अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर लिमिटेड है, ये 3 दशक के रियल इस्टेट में है राइट नाउ, और कुल अभी तक 60 प्रोजेक्ट जिसमें इन्होंने 8.5 मिलियन स्क्वायर फीट ऑलरेडी डिलीवर किया हुआ है। द कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस जो है वो मुंबई में, महामुंबई रीजन और जोधपुर में है इसका, और टारगेट है अफोर्डेबल एंड मिड इनकम पोर्टफोलियो। अभी जो इसका 70% पोर्टफोलियो का है, अभी इन्होंने हाई इनकम डिजाइनर प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए हैं जो रिसेंटली विलास किए हैं जो नवी मुंबई और जोधपुर में इसका प्रेजेंस है। रेवेन्यू पोटेंशियल जो है इस कंपनी का है जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से 4.5 मिलियन स्क्वायर फीट और जो 9.5 मिलियन स्क्वायर फीट फोर्थकमिंग प्रोजेक्ट जो 8 से 10 हजार करोड़ का रेवेन्यू इनको आगे जाके दिखता है। नवी मुंबई में इसका 13% मार्केट शेयर है और ये कंपनी आज की तारीख में अभी रिसेंटली इन्होंने एनविटी इनकम के हिसाब से दे आर सेटिंग अप ए क्लब ऑल्सो इन नियर पनवेल विच इज जहाँ पे 15% आरओआई मिलेगा राइट नाउ। ये एक बहुत ही एसेट लाइट मॉडल है बिकॉज 35% प्रोजेक्ट खुद का लैंड है, बाकी सब में ये जो है राइट नाउ लार्जली ज्वाइंट डेवलपमेंट मॉडल में काम करते हैं। बहुत ही आई थिंक इसमें काफी अच्छा स्केलेबल है, ये पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो जो है 8x नेक्स्ट 10 ईयर्स में हो जाएगा ग्रोथ, और ये एक स्टॉक आप डेफिनेटली आप इसको आप रडार पे बना के रख सकते हैं। और डेट भी देखा जाएगा तो ऑलरेडी इसका नेट डेट टू इक्विटी काफी इंप्रूवमेंट आया है लास्ट 3 साल। प्रमोटर की 74.71% होल्डिंग है। प्रमोटर ने एक सबसे बड़ी बात की थी जब कैश प्रिंट यानी कि कंपनी के पास लिटरली यानी कि दे वॉन्ट टू लोग बोलते हैं डिस्पाइट 75% स्टेक होने के बाद भी कंपनी ने प्रमोटर्स ने एट एनी पॉइंट ऑफ डिविडेंड खुद को नहीं लिया था और सिर्फ नॉन प्रमोटर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था। ये आप पोर्टफोलियो में लगा के रखिए। ₹300 का अभी शॉर्ट टर्म का टारगेट है, 300 का आफ्टर आई थिंक ये स्टॉक आप पोर्टफोलियो में कैन गिव यू एटलीस्ट 2-8 रिटर्न्स इन नेक्स्ट 2 ईयर, नहीं तो आप ₹300 का पोर्टफोलियो नेक्स्ट 1 साल में देख सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर्स पर नजर रखें, ये वीआईपी पिक दिया है अभिषेक जैन ने।